Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will start our exercise 4.2 from chapter 4 money. Question number 5 is, Namita went to a stationery shop and bought a notebook for rupees 120 and 85 paise and a pen for rupees 92 and 50 paise. How much did she pay in all? It means Namita went gayi stationery shop par, ek stationery shop par gayi aur unhone kharida, bought means kharidi ek notebook 120 रुपीज एंड 85 पैसे की एंड अ पेन 92 रुपीज एंड 50 पैसे का पेन लिया है. अब उन्होंने क्या किया, एक तो नोटबुक खरीदी है और एक पेन खरीदी है. हाउ मच डिड, कितना डिड शी पे इन ऑल. ऑल मीन्स नोटबुक, जो हमारा ऑल आया हुआ, लेकिन ये हमारा नोटबुक और पेन के लिए ये ऑल आया. मीन्स उसने, जो नमिका ने नोटबुक और पेन खरीदी है उसके लिए वो कितना पे करेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. तो स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे. अब पहले क्या करेंगे, रुपीज एंड पैसे है तो हम कॉलम बनाएंगे. रुपीज का जो हमारा सिंबल है र, एंड पैसे के लिए हम लिख देंगे पी. अब उन्होंने पहले क्या है, नोटबुक खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज एंड 85 पैसे. तो रुपीज के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 120 021 एंड ये पॉइंट जो लगा हुआ है ये शो करता है, एक्सप्रेस करता है रुपीज एंड पैसे को अलग कर रहा है. सो हम पैसे के कॉलम में लिखेंगे 85 एंड पेन हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन 92 रुपीज एंड 50 पैसे. तो हम क्या करेंगे, रुपीज के कॉलम में आ जाएंगे, वन स्पेस से जीरो के नीचे स्टार्ट करेंगे हम लिखना टू एंड टेन स्पेस पे आ जाएगा हमारा नाइन. अब लिखेंगे वन स्टेंस हंड्रेड, अब यहाँ हंड्रेड पे इसमें कुछ नहीं तो हम जीरो लगा देंगे. देन पुट अ पॉइंट एंड 50 पैसे, पैसे के कॉलम में स्टार्ट करेंगे वन स्पेस में, फाइव के नीचे जीरो एंड एट के नीचे फाइव, ये हमने लगा दिया प्लस का साइन. 120 रुपीज 85 पैसे प्लस 92 रुपीज एंड 50 पैसे. स्टार्ट करेंगे हम पैसे के कॉलम से एंड वन प्लेस से, देन 5 प्लस 0, 5 ना प्लस 0 करेंगे तो 5 को माइंड में रखेंगे, देन प्लस 0 करेंगे तो 5 प्लस 0 इक्वल्स 5. नेक्स्ट इज 8 प्लस 5. पहले हम क्या करेंगे, 8 एंड 5 में देखेंगे 8 बिगर नंबर है, सो पहले माइंड में 8 रखेंगे देन प्लस करेंगे 5, तो 9 10 11 12 13. 13 का हम लिखेंगे यहाँ 3, देन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे रुपीज के कॉलम में 1 को और यहाँ लगा देंगे हमारा पॉइंट. इट मीन्स ये रुपीज एंड पैसे को सेपरेट कर रहा है. आ जाएंगे रुपीज के कॉलम में, 1 प्लस 0 प्लस 2. अब हम देखेंगे 0 एंड 2 में 2 इज अ बिगर देन 0, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड फर्स्ट 2 देन प्लस 0, 2 प्लस 0 इक्वल्स 2, देन प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 इक्वल्स 3, सो वी विल राइट हियर 3. नेक्स्ट इज 2 प्लस 9, 2 एंड 9 में हम देखेंगे 9 बिगर नंबर है, सो पहले 9 को माइंड में रखेंगे, देन प्लस 2 10 एंड 11, सो 1 यहां लिखा एंड नेक्स्ट प्लेस को हमने 100 को 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 प्लस 0. अब हम देखेंगे 1 एंड 0 में 1 बिगर नंबर है, देन प्लस 0, 1 प्लस 0 इक्वल्स 1, देन प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2. तो हमारा आंसर क्या आया, 213 रुपीज एंड 35 पैसे. अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ मच डिड शी पे इन ऑल, तो हम क्या लिखेंगे, रुपीज 213.35 पैसे शी पेड इन ऑल. इट मीन्स 213
30 रुपीज 35 पैसे उसने नमिता ने नोटबुक एंड पेन के पेड किए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मोहन हैड ₹900 ही स्पेंड ₹525.50 इन अ बेकरी शॉप टू बाय केक। हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम। इट मींस मोहन के पास 900 रुपीज थे। अब हम यहाँ देखेंगे पैसे के कॉलम में 00 रुपीज, उसके पास पैसे नहीं, ओनली 900 रुपीज थे। ही स्पेंड, उसने खर्चा किया 525 रुपीज एंड 50 पैसे किस पे किया है? बेकरी शॉप से उन्होंने एक केक परचेज किया, खरीदा है, उस पर उन्होंने इतना खर्चा किया है। हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम, अब उनके पास कितने लेफ्ट मीन्स बचे, इसमें हमें क्या करना है? उनके पास इतने रुपीज थे, उन्होंने खर्चा किया, उनके पास कितने बचे, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉलम्स बनाएंगे रुपीज एंड पैसे। स्टार्ट करेंगे हम, मोहन हैड रुपीज 900, मीन्स मोहन के पास रुपीज कितने थे? 900। तो हम लिखेंगे मोहन हैड कितने रुपीज है? 900। तो रुपीज के कॉलम में हम लिखेंगे 900.00, क्योंकि पैसे है कोई फिगर नहीं है। स्पेंट, ही स्पेंट, उन्होंने खर्चा किया, कितना किया है? 525 रुपीज। तो जो रुपीज के कॉलम में 900 है उसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे, वन प्लेस से स्टार्ट कर, 0 के नीचे 5, नेक्स्ट 0 के नीचे 2 एंड 9 के नीचे 5, माइनस का साइन लगा एंड 50 पैसे। तो पैसे के कॉलम में जो 00 है, पहले तो हमने पॉइंट लगा दिया, 0 के नीचे 0 एंड 0 के नीचे 5, 900 रुपीज 00 पैसे माइनस 525 रुपीज एंड 50 पैसे। स्टार्ट करेंगे पैसे के कॉलम से, वन स्पेस से, 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस किया, नंबर आया 0, तो हम यहां लिखेंगे 0। नेक्स्ट इज 0 माइनस 5। अब हम देखेंगे 0 एंड 5 में से 5 बड़ा नंबर है, हम क्या कर देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमें ऊपर नंबर बड़ा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ 5 0 से बिगर है लेकिन वो नीचे है, तो 0 क्या करेगा, रूपीज पे जो नेक्स्ट नंबर है वहां से बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 0 है तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर वो नेक्स्ट नंबर से बोरो करेगा लेकिन यहाँ पर भी 0 है, वहां भी नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट नंबर से जो 1 stands 100 नंबर पर है, प्लेस पर है 9, सो 9 से 1 बोरो करेंगे, तो 9 अपना 1 देगा, तो 9 के प्लेस पर हम लिख लेंगे 8, और यहाँ उसके पास वाले नंबर में आ जाएगा हमारा 10। अभी 10 अपना 110 इधर देगा तो यहाँ तो 10 बन जाएगा, और जो 10 अपना 1 दे रहा है तो वो पर 9 रह जाएगा। अब हम देखेंगे रुपीज के कॉलम में 1 स्पेस पर 10 है, अब वो क्या करेगा, पैसे को देगा, तो हम पैसे में वहां 1 गया तो यहाँ रुपीज में 1 स्पेस पर 9 रह गया, और यहाँ जो 110 आया उसमें हम 0 प्लस किया तो 0 प्लस 10 इक्वल्स 10। अब हम देखेंगे 10 माइनस 5, अब 10 एंड 5 को हम कंपेयर करें तो 10 बिगर नंबर और वो ऊपर है, सो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसके लिए हम 10 को पहले माइंड में रखेंगे, देन माइनस 5, पीछे कितना आया 6 7 8 9 10, नंबर विल बिकम 5, हम यहाँ लिख लेंगे 5, देन पुट अप पॉइंट, मीन्स 50 पैसे हो गए। नेक्स्ट इज रुपीज के कॉलम में आएंगे 9 माइनस 5, 9 बिगर नंबर 5 से, सो हम क्या करेंगे, पहले 9 को माइंड में रखेंगे, वो ऊपर है, हमेशा हमें देखा जाता है रुपीज में या सब्ट्रैक्शन में ऊपर बिगर नंबर होना चाहिए, तो 9 बड़ा नंबर है तो 9 को पहले माइंड में रखेंगे, देन माइनस करेंगे 5, पीछे कितने बचेंगे, 5 को कट किया तो 6 7 8 9, नंबर है हमारे 4। नेक्स्ट देखेंगे 9 माइनस 2, 9 एंड 2 में देखें तो 9 बिगर नंबर है और वो ऊपर है, इट मीन्स यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो पहले 9 को माइंड में रखेंगे देन माइनस करेंगे 2, 2 को कट किया तो पीछे 3 4 5 6 7 8 9, नंबर आए हमारे 7। 8 माइनस 5, 8 एंड 5 में देखें 5 से 8 बिगर नंबर है, सो पहले हम 8 को माइंड में रखेंगे देन माइनस करेंगे 5 माइनस किए पीछे बचेंगे हमारे 6 7 8, तो नंबर आया 3। 374 रुपीज एंड 50 पैसे। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम, उनके बाद अभी कितना बचा लेफ्ट, हम क्या लिखेंगे आंसर में, रुपीज 300
74.50 left with him. Means उनके पास 374 rupees and 50 paise पीछे बचते हैं. So students, you have to practice both problem sums number 5 and 6 in your notebook.